अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम जईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आगा इफ्तिखारुद्दीन की वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया है। वीडियो में अदलिया और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू पर नोटिस लिया गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्कर नैन इकबाल से। जुल्कर नैन, आज खुद नोटिस की समाअत अब कल होगी? आज बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच है जो इस नोटिस की समाअत करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से जारी इलामिया के मुताबिक अगर इफ्तिखारुद्दीन की एक वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें वो अदलिया और जजेस के हवाले से काफी जो तोहीन आमेज गुफ्तगु कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पर ही इसको नोटिस लिया है और लोकर इसको समाज के लिए कल मुकरर भी कर दिया है, और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, और कल सुबह चीफ जस्टिस की सरबराई में दो रुकनी बेंच है जो इस मुकदमे की समाअत करेगा। इसी वीडियो के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने भी थाना सेक्रेटरियट में दरखास्त दी थी और उस इंदराजे मुकदमा के लिए उन्होंने कहा था, जिसको अब पुलिस ने एफआईए को भिजवा दिया था। बहुत शुक्रिया जुल्कर नैन इकबाल, अपडेट किया आपने। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कौमी असेंबली के इजलास में। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं कि लॉकडाउन करे, फेस वाइज करे, टू वीक्स ऑन करे, टू वीक्स ऑफ करे, तब भी मुस्तरद कर दिया, कुछ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। चलिए लॉकडाउन ना करे। अगर आपने आईएमएफ को खुश रखना है, आईएमएफ को पैसा देना है, लोन वापस करना है, तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना आवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। आप अपना हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करें। मान लो कि हम जंग की सूरत हाल में हैं, मान लो कि हमने पाकिस्तानियों के लिए अपने हॉस्पिटल्स में इजाफा करना है, आईसीयूज में इजाफा करना है। आप कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि हम तैयार है, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर पाकिस्तान तैयार है, अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स आज तक क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि हम ना तैयार है, ना तैयार थे, और ना तैयार होने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार है। इस सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम की अना की वजह से, सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम किसी एक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक आर्टिकल या साइंटिफिक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक डॉक्टर का, किसी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे कह सकता है कि जितने जो आपका अमवात होगा, जो आपका शराय अमवात होगा, उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा आपका मईशत से। जितने लोग मरेंगे उतने ज्यादा नुकसान होगा आपका मईशत को, जितना ही लोग बीमार होते उतनी ज्यादा नुकसान होगा आपका मईशत को। अब जरा सोचे, अगर एक खानदान में एक जो अर्निंग मेंबर है वो फौत हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो पूरा खानदान का क्या होगा? वो कैसे अपने आप को खिलाएंगे? जिस तादाद में, जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, वो ही किरदार अदा कर रहा है जो हमने कारगिल में किया था, जहां हमारे लोग, हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाही जंग तो लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, जिसे आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे रियासत मानने को तैयार नहीं था। कहते थे कि कोई जंग नहीं है, हमारा सोल्जर्स वहां नहीं है, सामान नहीं बेचते थे, उनके लिए यूनिफॉर्म्स नहीं थे, सप्लाईज नहीं, खाना तक नहीं था। आज भी पाकिस्तान में यह वबा फैल रही है। हम अपना डॉक्टर्स को, अपना नर्सेस को, अपना पैरामेडिक्स को ना वो प्रोटेक्टिव गियर देने को तैयार है, ना उनको तनख्वाह में वो इजाफा करने को तैयार है, और ना ही उनको वो रिस्क अलाउंस देने को तैयार है। ये इस वजीर आजम की अना की वजह से है, ये इस वजीर आजम की नालायकी की वजह से है, और सबसे बढ़कर कि ये इसलिए है कि हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता, तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। अभी उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अमाम मरे तो सो मरे, बीमार हो तो सो बीमार हो जाए, उसने किसी और तरफ देखना है वोट्स लेने के लिए, उसे किसी और तरफ देखना है हुकूमत बचाने के लिए। आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, आज भी ये तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्ट
लीडर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के आवाम या सिर्फ एक्टर्स? अब क्या कह रहे हैं उनको कि आपका सबसे बड़ा कामयाबी आपका फॉरेन पॉलिसी है। वो हुकूमत, वो वजीर आजम जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का सूरत हाल उनके नाक के नीचे जो हुआ है, आप कश्मीरियों से पूछे, मकबूजा कश्मीर के आवाम से पूछे कि क्या आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब रहा है, वो आपको जवाब देंगे। आपका फॉरेन पॉलिसी बुजदलाना रहा है, आपका फॉरेन पॉलिसी एक कठपुतली का फॉरेन पॉलिसी रहा है, आपका फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर फॉरेन पॉलिसी रहा है। आप पाकिस्तान की वाहिद वजीर आजम हो जिसने मोदी का कैंपेन चलाया है, जिसने पुलवामा का हमला के बाद कहा कि वजीर आजम मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अगर आपका कैंपेन इंडिया के खिलाफ इतना कामयाब था, अगर आप इंडिया के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, अगर आप इंडिया के खिलाफ हर फोरम पे उनके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में और पता नहीं कहां कहां सेनेटर लिंडसे ग्राहम को कह रहे थे कि इंडिया बुरा है, तो इस सवाल का जवाब दे कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन मेंबर वो कैसे मुंतखब हुए। उन्होंने 184 वोट्स लिए हैं और 192, ये है आपका कामयाबी कि भारत को 184 वोट्स, 184 ममालिक उनको वोट देने को तैयार थे, इसको आप कामयाबी की तरह पेश करते हो। चाइना का जिक्र करते हैं, सीपैक के साथ जो इस हुकूमत ने किया, जिन इनके जो गैर जिम्मेदार वजीर है जिनके बयानात की वजह से चाइना ने भी एहतजाज किया। पाकिस्तान के चाइना के साथ तो रिलेशनशिप्स है, इसकी बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा है। आप कुछ चाहे वो आपको कहेंगे, और जितना नुकसान पाकिस्तान और चीन का रिलेशनशिप में, पाकिस्तान और चीन के जो स्ट्रेटेजिक एम्स है, खान साहब ने पहुंचाया है, किसी और वजीर आजम ने नहीं पहुंचाया है। हमारा वजीर आजम को लेक्चर देने का तो शौक है, मगर उसका अपना लेक्चर पे अमल करना को तो कोई इरादा नहीं होता। हमें सुनाता है कि मेरिट, अकाउंटेबिलिटी और फिर डिबेट। तो शुरू होते हैं हम डिबेट से। वजीर आजम ने कहा कि वो हर वेंसडे पे आके हमसे डिबेट करेगा। अब दो साल हो चुके हैं हमारा वजीर आजम ने इस वादा पे, जैसे हर वादा पे यू टर्न लिया है। आज भी तकरीर करके चला गया है जबरदस्त, लेकिन वो डिबेट नहीं होता। अगर वजीर आजम ने डिबेट करना है तो हमारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और हमारा वजीर आजम इसलिए हमारा सवाल के जवाब नहीं दे सकते, ना मीशत को उसको जवाब देने का कुछ है, ना सेहत पे, ना फॉरेन पॉलिसी पे, तो इसलिए वो डिबेट करने को तैयार नहीं। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब को कि या इधर आके डिबेट करें, फेस टू फेस डिबेट करें, जहां आप ऑपोजिशन का सवाल का जवाब दो, या टीवी पे, आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को, हम चैलेंज करते हैं वजीर आजम साहब को कि हमें टीवी पे डिबेट करें, कहीं ना कहीं आए, ताकि आप जो झूठ इस कौम को खिलाते हो, जो झूठ आप हर तकरीर में दोहराते हो, जो झूठ आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हो, उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप देख ले चेयरमैन साहब, आप देख ले वजीर आजम हमारा बुजदिल है, वो ना मेरा जवाब यहां देने को तैयार होगा, ना टीवी पे हमारा डिबेट करने को तैयार होगा। हमारा वजीर आजम जो है वो अपना फॉरेन ट्रिप्स का प्राइस टैग हमें सुना रहा था, और जिसपे हमारा उनके साथी बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी खुश था। लेकिन जनाब स्पीकर, इस सवाल का जवाब दे दे कि जो सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान की तारीख में वजीर आजम साहब की हुकूमत ने माशाल्लाह इकट्ठा किया है, और सबसे कम, द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये भी माशाल्लाह इस हुकूमत का कारनामा है। उनका अपना वजीर, उनका अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट का अपना रिपोर्ट कहता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, कोविड से पहले बुरा था। आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे
जो नेगेटिव 0.4% ग्रोथ का जिक्र करता है, जो हकीकत में नेगेटिव 2.2 का ग्रोथ है, वो लॉकडाउन का पहला का एनालिसिस था। लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने से पहले ये रिपोर्ट का डाटा है, मतलब आप नेगेटिव ग्रोथ में थे लॉकडाउन से पहले। इसलिए हम कहते हैं कि आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। आप कोरोना के पीछे जो रोजगार आप नहीं दे सके, जो वो लाखों घर का वादा आपने किया आप नहीं डिलीवर कर सकते, अब आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। छुपे, हम आपको छुपने देते अगर आप वाकई ही कोरोना का मुकाबला करने को तैयार होते, अगर आप वाकई हमारे आवाम का सेहत और जिंदगी को बचाने का कोई ख्याल रखते, आप एक पैंडेमिक बजट पेश करते। अगर अमेरिका में ट्रंप और डेमोक्रेट्स मिलके कोरोना के लिए स्टिमुलस पास कर सकते, वो कैसे हुआ? ने बातचीत की, अपने एक दिन के लिए ऑपोजिशन की के साथ अपना बजट बनाने में, पैंडेमिक बजट बनाने में बात करने की कोशिश नहीं की। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि ये मामूली बजट नहीं। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि इस दफा हम सब मिलके इस वबा का मुकाबला करने की कोशिश करें। इस दफा अगर हमारे पास जो फिजिकल स्पेस है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपना एमएनएज में, अपना एलाइज को खुश रखने में जाया नहीं करें। ये वक्त है अपने आवाम का जिंदगी का तहफ्फुज़ करना। ये वक्त है अपना फ्रंटलाइन सोल्जर्स, अपना फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, अपना फ्रंटलाइन नर्सेज, अपना फ्रंटलाइन पैरामेडिक्स, उनका ख्याल रखना। लेकिन हमारा हुकूमत ने ना उनका ख्याल रखने का सोचा है, ना हमारा लोकस का मसला जो आज भी चल रहा है, कल सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नवाबशाह से फुटेजेस चल रहे थे, जिस तादाद में वहाँ लोकस हमला कर रहे थे, हर किसी को नज़र आ रहा था कि अगर आपके पास हवाई जहाज़ नहीं है, आप उनको उनका खात्मा नहीं कर सकते हैं। हुकूमत का वादा था, हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान था, आज तक लोकस्ट उड़ रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत का जो पेस्टिसाइड्स का प्लेन है, एक का भी बंदकस नहीं हुआ। सिंध में अभी तक सखर में बैठा हुआ है, कोई पायलट नहीं है। ये कौन सा वज़ीर आज़म है जो हमें लेक्चर्स देते हैं जो हकायक पे मबनी नहीं है, जो किसी दूसरा रियालिटी पे बेस्ड है, जो पाकिस्तान हमारे सामने है, जिस पाकिस्तान में हमारे आवाम के हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी खतरे में है, हर किसान का फसल खतरा में है, हमारा फूड सिक्योरिटी खतरा में है, उस पर हमारा वज़ीर-ए-आज़म कोई सही दिलचस्पी नहीं लेती, या उसको कोई वो एडवाइस नहीं दिया जा रहा। नहीं, हमें इसको हल करना है, हमें इसको एड्रेस करना है। हम अपने आवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म अवेयरनेस का कहता है, वज़ीर-ए-आज़म SOP का कहता है, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अगर अवाम अमल करेंगे हमारा SOPs पे तो फिर हम बच पाएंगे। मैं पूछता हूं, इन्होंने कितने समझाने की कोशिश किया, इन्होंने कितने कैंपेन्स चलाए, कितने मादरी जबान में हमने कैंपेन्स चलाई है PTV के थ्रू। मक्सी साहब, आप मुझे बताए क्या बलोचिस्तान में मादरी जबान में कैंपेन्स वफाकी हुकूमत के चैनल्स पे, वफाकी हुकूमत का जो स्टेट रेडियो है, जो टेलीविजन चैनल है, क्या वो चल रहे हैं SOP कह के आवाम को क्या समझ आएगा? क्या उनको पता चलेगा कि हमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, फासला रखना है? नहीं, आपको समझाना पड़ेगा। हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं, हुकूमत नाकाम रहा है मईशत पे, हुकूमत नाकाम रहा है फॉरेन पॉलिसी पे, और अब ये हरा हुआ कठपुतली जिनका बैकग्राउंड ज्यादा है आता है इस हाउस में, कमजोर तकरीर करता है और चला जाता है। सामना करना पड़ेगा, अवाम को जवाब देना पड़ेगा। आज भी हम जंग की सूरत हाल में हैं, लेकिन आज भी हमारा वज़ीर आज़म कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू जी। ख्वाजा आसिफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का पहले दिन से अब तक कोई प्लान नहीं था, लॉकडाउन के दिनों में इकदाम उठाने थे, शुरू से कह रहे हैं दीगर ममालिक की तरह इकदाम उठाएँ। जनाब चेयरमैन, मैं जनाब चेयरमैन
महबूब साहब तशरीफ रखें। जनाब चेयरमैन जी, खान साहब आप जारी रखें जी। जनाब चेयरमैन, मैं शुरू में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए यहाँ पे, वज़ीर आज़म साहब नो क्रॉस टॉक जी। अली मोहम्मद खान साहब अपनी साइड से जी, अली मोहम्मद खान साहब अपने मेंबरान को और नवीद कमर साहब आप अपने साइड्स को देखें, जो डिसाइड हुए उसके मुताबिक जी। खाजा जनाब चेयरमैन, मैं जो वज़ीर आज़म साहब ने जो आज तकरीर की है, यार मुराद खान साहब कर लें कट्ठी थोक का जवाब दे दें, जो है दो बंदों का। खान साहब आप अपनी तकरीर जारी रखें जी। ठीक है जनाब। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में जो तारीखी जो उन्होंने तारीख के मुतल्लक जो एक लेक्चर दिया है, मैं उसकी करेक्शन कर दूँ। मुगलिया ख़ानदान ने 1526 से लेके 1707 तक 6 बादशाह थे और 1707 से लेके 1857 तक 14 बादशाह थे। जो उन्होंने बताई है तारीख जो है कि औरंगज़ेब के बाद 6 बादशाह 13 साल में ख़त्म हो गए पहले, ये मेरा ख्याल है। इस हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। अपने तारीख के सबक जो हैं इनको सुनाएं, हमें ना सुनाएं, खुदा का वास्ता। दूसरा, उन्होंने कहा कि 13-14 साल में बाइजेंटाइन एम्पायर ख़त्म होगी। बाइजेंटाइन एम्पायर उस वक़्त ख़त्म हुई और तुगरल ड्रामा वो देखते हैं जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ। And that was in 1452, if I'm not wrong, 15th century के मिडल में फॉल हुआ था। बैतुल मकदस फॉल हुआ था, which was part of the Byzantine Empire, but Byzantine Empire survived for more than 700 years after Prophet sallallahu alaihi wasallam's wisal. ये खात्मुन नबीजीन, मैं ये नहीं हूँ कि जो ना कह ना सकूँ। खातमुन नबीयीन सरवरे सरकारे मदीना नहीं, सरकारे कायनात खातमुन नबीयीन, जिस तरह उसने कहा है। खातमुन नबीयीन हमारा जो रेजा दात है, जो हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, वो हस्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका ये नाम सही नहीं ले सकता। जनाब वाला ये इन्होंने इंटरप्ट किया था, मैंने कहा साहब पूरा कर दूं इनका जो है। दूसरा जनाब, ये जो फिगर्स उन्होंने कोट किए हैं, क्या जब वो कंटेनर पे नारे मारते थे या वादे करते थे उस वक्त उनको फिगर्स ये पता नहीं थी? ये फिगर 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त ये फिगर सारी मौजूद थी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक वाहिद इंडिकेटर नहीं होता। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के जो है वो नेगेटिव में है और मैसिवली नेगेटिव में है, लेकिन उनकी इकोनॉमीज हमारी तरह कोलैप्स नहीं की। उनकी हमारी जो है वो इकोनॉमीज जो है वो रॉक बॉटम तक नहीं पहुंची। हमने मशीनरी इंपोर्ट की बिजली घरों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो इनसे 6 गुना जो है ज्यादा थी, जो इनकी आज है जो फिगर है 6 गुना ज्यादा थी, इसलिए हमारी इंपोर्ट की फिगर ज्यादा थी। इन्होंने डिवेल्युएशन का कहा, जनाब वाला अगर 40% डिवेल्युएशन हुई है तो फिर एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़े? उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। जनाब वाला मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि 10.26 से 10.96 एवरेज रेट चला गया है ये रीप्रोफाइलिंग की वजह से,
इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सस्ता नहीं हुआ। ये थोड़ा सा किसी से ट्यूटरिंग ही ले लें। अगर अपने साथियों की बात नहीं मानते, कोई बाहर से बंदा ले आए जो इनको तारीख का सबक दे, जो इनको माशियात का सबक दे, पता नहीं किन किन जो सबक की जरूरत है इनको, जो आके तकरीर करते हैं और फिर चले जाते हैं। जनाब वाला, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ ये किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाज़रा कर लें। हमें इनके मोनोलॉग की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर तकरीर करते हैं तो जवाब लें, इतनी जुरत पैदा करें। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। ये फरमाइशी तकरीर थी। जनाब चेयरमैन, सियासत में आपका खानदान बड़ी देर से है, समझें ये किन को सुना रहे थे। सादिक अमीन जो है वो, उसकी स्टोरी भी सुन लें। इनका एक दोस्त है, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। यार मैं आपे जवाब दे। जनाब चेयरमैन, इनका एक दोस्त है बचपन का, उनको इन्होंने कहा कि यार नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। अब मैं और जहांगीर तरीन हूं, दोनों तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, लेकिन अगर दोनों क्वालिफाई हो गए तो नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा शोर मचाना है। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये फैसले से पहले वो उस दोस्त का नाम भी बता सकता हूं, लेकिन अमानतन किसी वक्त कहा, मजबूर किया गया, मैं नाम भी बता दूंगा। और ये बात जो है मैंने ट्वीट भी की। अब जहांगीर तरीन भी ये बात करता है, अगर मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है, वो यहां कैद क्यों नहीं है? ये मेरिट है, ये मेरिट है। जब मेरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हीरोइन डाली जाती है, और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके याशी कर रहा है। ये मेरिट है, ये रियासत मदीना का मेरिट है, जहां पे वो एक सफ में खड़े होते थे। चले, ये ख्वातीन है, अभी इनके टाइम है, जरा इनका ये एक्सपायर नहीं हुए, एक मिनट और। तो इसलिए जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हौसले के साथ सुने। उसके बाद इन्होंने उसामा बिन लादन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया, और ये उसको शहीद कह रहा है। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया ज़ियाउल्लाह था, शहीद आप कह रहे हैं। जनाब आला, आपने तो पता नहीं कितने डैडी भुगता दिए हैं। मुशर्रफ, मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी है, अभी भी ना, मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी बैठा है। पता नहीं किस किस के चौखट पे जाके ये सजदा रेज हुए हुए हैं। ये जिस तरह हमने इनकी तकरीर सुनी है, बैठते मेरी सुनते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनते, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। बड़ा जिगरा चाहिए मुखालफ बातें सुनने का। अगर इतना जो है मजाज जो है इतना नाजुक है कि ग्राम बातें गुजरती हैं, हमें 2 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम इतना कम अरसा नेशनल असेंबली में आज जितना इमरान खान आया है। आप निकाल लें, रिकॉर्ड में होगा। जनाबे चेयरमैन,
पाकिस्तान में 50 लाख बंदा बेरोजगार था, 55 लाख कोरोना से पहले। अब 1,20,00,000 बेरोजगार की जो है सफ में चले गए हैं। गुर्बत की सतह, गुर्बत की फीसद जो परसेंटेज है वो 50% होगी। आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ये आज के आके हमें ये लेक्चर सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमारे मुल्क में 23% कोरोना जो है पाकिस्तान से आया है। परसों एमिरेट्स की फ्लाइट लैंड किया हांगकांग में, उसमें 36 कोरोना के मरीज निकले हैं जिसमें 29 पाकिस्तानी थे। हमारी वैसे तो एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है, लेकिन कोरोना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जनाबे वाला, ये वबा जिस तरह बढ़ रही है, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूं, मेरी दुआ है, लेकिन मैं हकीकत से मुंह नहीं छुपा सकता। हकीकत जो है उसको, उससे मुंह छुपाना जो है मेरा ख्याल सबसे बड़ी जो है बेवकूफी होगी मौजूदा हालात में। हमें मिन हैसुल कौम जो है वो हकीकत का सामना करना है, और इस हकीकत को सामने, ये सिर्फ नारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है द वर्ल्ड ओवर। ये फ्लू नहीं है, ये जुकाम नहीं है जो आप लेक्चर देते रहे हैं। और आज क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि मैंने फलां वक्त ये कहा था, मैंने फलां वक्त ये नहीं कहा था। ये जो अपोलोजेटिक टोन थी आज इनकी, जो टोन थी इनकी तकरीर में, और उनका क्या कहना कि मैं, हमारा मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ये जब काबीना में एक वजीर जो है दो दो चार चार वजीरों की इस तरह कहते हैं पंजाबी में पत उतारे, और जो है एक वजीर जो है वो टीवी पे आके कहे कि ये हम तब्दीली में नाकाम हो गए हैं, और यहां पे तकरीरें करें इनके अपने जो है हुकूमत के खिलाफ, तो फिर टोन में इसी तरह ही मिन्नत समाजत वाली आ जाती है बात जो है। ज्यादा लंबी बात नहीं है जनाबे चेयरमैन, ज्यादा लंबी बात नहीं है, ये टोन तब्दील कर लें, ये टोन में गाना भर लें, कुछ और कर लें, लेकिन जो तबाही इनकी सूरत में इस मुल्क पे, इस कौम पे जो नाजिल हुई हुई है, अगर उसको रिवर्स करना है तो इनसे जान छुड़ाना है। जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं, तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क में। ये तबाही की अलामत, मईशत की तबाही, सेहत की तबाही, फॉरेन पॉलिसी की तबाही, और कश्मीरी रो रहे हैं। और आपने 182-186 जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे उनको वोट दिलवा दिए, और फिर कहते हैं क्या क्यामत आ गई अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का, सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनना को बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो हैं, उन्होंने अलल लान जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया। लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140-145 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी, हेड ऑन फेस द रियलिटी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या पब्लिक हेल्थ हो या इकोनॉमी हो, एवरीथिंग इज एलिंग एंड कोलैप्सिंग। और आप यहां पे आके हमें अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स टू लेट जनाब वजीर आजम, इट्स टू लेट। पानी सर से गुजर चुका है। ये बजट जो है, ये बजट नहीं है, ये एक टेम्प्रेरी
अभी तो ये इनका सिलसिला जारी है, फ्लोटेशन जो है आईएमएफ से अभी भी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि यहां पे एफएटीएफ के लिए लेजिस्लेशन करो, 14-15 जो हमें लिस्ट दी गई है स्पीकर साहब की तरफ से लेजिस्लेशन की। आपने पिछले 2 साल में कहीं गुंजाइश छोड़ी है कि अपोजिशन आपसे कोऑपरेट करे? मैं फिर कहूंगा 6 फुट के 10 फुट के फासले के ऊपर सनाउल्ला बैठा हुआ था, जिसके ऊपर आपने 20 किलो जो है हेरोइन डाली। ये जनाब अली, ये सियासत तो जो है हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में, थानों में होती है, जो वजीर आजम साहब ने की है इस 2 साल में इस मुल्क में, कि बुला लेते हैं एसएचओ, 2 छितर लगाता है और कहता है जाके चौधरी को सलाम करो। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, सारी अपोजिशन बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह, एंड वी विल विटनेस हिज डाउनफॉल रादर एलिमिनेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है, ये खुद कोविड है। पता नहीं 19 है या 20 है या 25 है, कितने पॉइंट्स हैं इस कोरोना के? 18 वो कहते हैं जी कि वो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है, कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है, डाटा इंटरनेशनल डालेंगे, 92 में हमने कप जीता इसलिए 92 आता है। वाइंड अप प्लीज जी। और डेंटिंग पेंटिंग करने वाले को ये डेंटिस्ट कहते हैं। तो जनाब वाला ये खैर, ये कॉमिक रिलीफ भी बीच में होनी चाहिए, माहौल बड़ा सीरियस हो गया था। जनाब वाला मैंने कोई नाम नहीं लिया, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई नाम नहीं ले रहा जनाब वाला। मैं बिल्कुल, आपने हुक्म फरमाया, मैं वाइंड अप करता हूं, लेकिन मैं आखिर में ये याद जरूर करवाऊंगा वज़ीर आज़म साहब का, जितने दिन भी वो रह गए हैं उनके, के अपने वादे जो हैं जब ये कर रहे थे उस वक्त भी फिगर्स जो है चेक कर लेते हैं, कि किन वादों पे बेस्ड वादे, किन फिगर्स पे ये बेस्ड वादे उनको करने चाहिए थे। अगर फिगर्स बकौल इनके गलत थी, इकॉनमी वॉज इन डोल्ड्रम्स, सब कुछ तबाही का शिकार हो चुका था, तो वादे ना करते। अगर इन्होंने वादे झूठे, फिर या तो रिवर्स कर लें कि वादे झूठे थे और फिगर्स ठीक थी। आज भी खड़े होकर टोटल डेट की जो है हमारी फिगर्स जो है वो गलत बता रहे थे। जनाब वाला ये फिगर्स आप जो मर्जी बना लें, जो रियलिटी है रियलिटी है, आप इरेज नहीं कर सकते फिगर्स जो है, जो ट्रांसलेट हो रही हैं गुर्बत में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं महंगाई में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं करप्शन में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं भूख में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं मौत में, ये तमाम फिगर्स ट्रांसलेट हो रही हैं। आप रोक तो नहीं सकते इनको। तो यहां पे आके एक तो खुदा का वास्ता है ये तारीख जुग्राफिया का लेक्चर हमें ना दिया करें। ही इज वेरी डेफिशिएंट, उनका इतना नॉलेज डेफिशिएंट है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिस किताब का उन्होंने रेफरेंस दिया उसको दोबारा जाके पढ़ें। यहां पे रेफरेंस इसलिए ना दें कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि मैं कोई नॉलेजेबल आदमी हूं, जो असलियत है लोगों को बताएं, और कौम को पता लग गया हुआ है असलियत का, उसके जो मर्जी डेंटिंग पेंटिंग करवा लें उसके ऊपर ले, बॉडी तो वही रहनी है। तो जनाब वाला मैं, ये तकरीर ना होती तो हमें भी ये जरूरत ना पड़ती ये सब कुछ कहने की, लेकिन वॉट एवर ही सैड वो इज फार फार फ्रॉम रियलिटी। थैंक यू। और रियलिटी जो है इस कौम को पता है कि आज के हालात की क्या रियलिटी है,
Perhaps he doesn't know about it. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. जी सेनेट रिकमेंडेशंस पे मुर्तजा जावेद अब्बास नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि कंटेनर पर जब नारे लगा रहे थे तब ये फिगर्स इनको मालूम नहीं थी। इस वक्त बहुत से मुल्कों के करंट अकाउंट डेफिसिट मनफी में है, हमारी इम्पोर्ट की फिगर्स इनसे 6 गुना ज़्यादा थी। उन्होंने ये भी कहा कि हौसला पैदा करें, बड़ा जिगरा चाहिए बातें सुनने के लिए। और अब जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान के कौमी असम्बली से खिताब का, जिसमें वज़ीर आज़म ने कोरोना पर पॉलिसी वाज़ह कर दी। कहा कि पहले रोज़ से कोई उलझाव नहीं है, बाकी महीने कोरोना केसेस की तादाद ना बढ़ी तो हम मुश्किलात से निकल आएंगे। पहले दिन से मेरा ये बयान था कि हमें कोरोना के साथ गरीबों की मईशत का ख्याल रखना होगा। मुल्क का वज़ीर आज़म बाप होता है और कौम बच्चे होते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया, 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की। अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटल इनकम है तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई जिसमें डॉक्टर्स भी थे, डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे, मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज कौमी असम्बली में ख़िताब किया और उन्होंने जिस तरह से कोरोना की सूरत हाल पर बात की, मईशत की पर बात की, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी पर उन्होंने खुलकर बात की, मकबूज़ा कश्मीर पर बात की गई, बिलावल की तकरीर भी आपने सुनी, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की तकरीर भी आपने सुनी, क्या कहेंगे आप इस पर? लेकिन जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बेसिकली आए तो थे बजट सेशन में खिताब करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसमें पूरी की पूरी जो अपनी कारकर्दगी है उस पर बात की। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो तमाम बातें ऐसी थीं जो किसी न किसी अंदाज में किसी न किसी तरह से पहले वो कौम के सामने रख चुके हैं, कुछ अपने खिताबात के जरिए, कुछ अपनी टीम के जरिए। नई बात तो उसमें कुछ नहीं थी, अलबत्ता इतना था कि सब चीज़ों को उन्होंने यकजा कर दिया। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बात हो सकती है, जिनके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। कोरोना के हवाले से जो उन्होंने बात की है उसमें दुनिया सबको पता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो गैर मामूली है, और उसमें उन्होंने अपने इकदाम तो गिनवाए हैं और थोड़ा सा अपने आप को इसमें कामयाब साबित करने की कोशिश की है। बेहतर ये होता कि आज वो जितने धीमे अंदाज में जिस अंदाज में रुकू कर रहे थे, एक स्टेप वो आगे बढ़ते और अपोजिशन को वो एक तरह से लाजवाब कर सकते थे। अगर वो अपोजिशन को अपने उस तावन की तरफ लाने के लिए कोई थोड़ा सा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम करते तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा होता। और ये भी ढकी चुकी बात नहीं है कि कोरोना से निपटना जो है वो बहुत अहम है और उसमें सबकी मदद की सबको ज़रूरत है। फॉरेन फ्रंट के हवाले से अपनी जो कामयाबी है उनके बारे में उन्होंने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन बहरहाल कुछ सवाल ऐसे हैं कि कश्मीर पर हम स्टेडफास्ट ज़रूर रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों के गम का और मुदावा उस अंदाज में नहीं हो सका। ये आज कहा जा सकता है कि शायद वो सारे के सारे बातें जो है वो जुबानी जमा खर्च शामिल हो रही है। इस तरह से अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने जो बात की है अच्छी बात है, इससे पहले शायद अमेरिका हमारी कोई बात सुनता भी नहीं था, लेकिन ये बात सुनने के साथ साथ उसका अपना एक जो मतलब था उसको निकालने के बाद, यानी अफगान अमल में जो पाकिस्तान की उसको मदद चाहिए थी, और ना सिर्फ ये कि पहले मरहले पर मदद चाहिए थी, बाद में जब उनके उनको नतीजा खेज नहीं हो सके तो फिर पाकिस्तान ही को मदद के लिए आना पड़ा। तो लेकिन इसके बावजूद कल अमेरिका ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें पाकिस्तान को उसने दहशतगर्दों की सेफ हेवंस का सरप्रस्त करार दिया और बहुत सी ऐसी बातें, तो वो चीज़ें जब लोग कंपेयर करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में शायद इन दावों में इतनी सदाकत जो है वो महसूस नहीं होती। बेहतर था कि वो इन सारी चीज़ों को यहाँ बयान करने की बजाय बजट और जो कोरोना से रिलेटेड मामला हैं उनको अगर वो वहाँ रखते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर ये होता कि आज जितना मेरे लिए खुद ये हैरान कौन था कि वो इतने धीमे लहजे में कम अज़ कम असम्बली में वो कभी बोलते नहीं है, यहाँ पे तो वो अच्छा खासे रिएक्शनरी होते हैं, तो बेहतर होता कि वो आगे बढ़ के कोई प्रैक्टिकल सूरत निकालते कि जिसमें
अपोजिशन की मदद उनको मिलती है। ठीक है, अदनान आदिल साहब और अहमद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, अब मैं आपकी जानेब आऊँगी। वज़ीर आज़म का ख़िताब आपने सुना, उन्होंने मकबूज़ा कश्मीर की बात की, फ़ॉरन पॉलिसी की बात की, लेकिन बिलावल ने उसे भी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से बात की। वज़ीर आज़म, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन के बाद भारत का तकब्बुर कहीं और चला गया, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बिलावल की बात करते हैं तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि बुज़दिलाना फ़ॉरन पॉलिसी है हुकूमत की। नहीं समझता कि बुज़दिलाना फॉरेन पॉलिसी है। कोई भी हुकूमत होती, चाहे पीपल्स पार्टी की होती या नून लीग की होती, यही फॉरेन पॉलिसी रहनी थी। और इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अक़वामे मुत्तहदा में बहुत मौसर अंदाज से कश्मीर का केस पेश किया और भारत की जो हिंदुत्व क़यादत है उसको एक्सपोज किया, उसको पजीराई मिली और आलमी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में उनको बहुत ज्यादा जगह मिली, स्पेस मिली अपना मौकफ बयान करने में। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में उनकी कामयाबियां डोमेस्टिक पॉलिसी की नस्बत बहुत ज्यादा हैं। अफगानिस्तान इशू पे भी आप देखिए कि अमरीका जो है उसके साथ पाकिस्तान का ताउन बढ़ा है, ताल्लुकात में बेहतरी आई है अमरीका के साथ और वहां से अमरीकी फौजें वापस जा रही हैं और अमरीका और तालिबान का मुआहदा हुआ है। फिर पुलवामा वाकया हुआ हिंदुस्तान में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत समझदारी से उस मामले को हैंडल किया और फिर जब बालाकोट पे हमला हुआ उसका जवाब भी मुंह तोड़ दिया गया, लेकिन हालात को जंग की तरफ जाने से बचाया गया। तो ये सब बहुत ही स्टेट्समैन लाइक है। उनकी भारत में भी बहुत पजीराई की गई, जो भारत में हिंदुत्व के खिलाफ और अमन की लॉबी है उसने भी इमरान खान के इकदाम को सराहा कि उन्होंने जंग का माहौल बनाने की बजाय अमन की तरफ जाने की कोशिश की। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अब हमारे मुल्क में ये रिवाज है कि जब भी कोई हुक्मरान होता है अपोजिशन, उसकी हर बात की मुखालफत करती है। मुखालफत बराए मुखालफत का एक माहौल है पाकिस्तान में और उसकी वजह यह है कि तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनके ऊपर करप्शन केसेस चल रहे हैं, वो बहुत बिटर हैं। जिस तरह आपने देखा बिलावल जरदारी बहुत बिटर थे, बहुत तल्ख थे, इसी तरह ख्वाजा आसिफ बहुत तल्ख थे। सब जो अपोजिशन लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि करप्शन और ये जो एहतसाब का मामला है इसको खत्म किया जाए। जब तक ये एहतसाब जारी रहेगा अपोजिशन के रवैये में नरमी नहीं आएगी, नहीं आएगी। बिल्कुल आपका पॉइंट हम तक आ गया। अदनान आदिल साहब, अहमद वली साहब, आप क्या कहेंगे जो तकारीर की गई वज़ीर आज़म की जानिब से और जो अपोजिशन की जानिब से की गई, उस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे और जो मईशत के हवाले से खास तौर पर बात की गई। इमरान खान ने कहा कि हमें जब हुकूमत मिली तो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था और हमें हुकूमत मिली तो 30,000 अरब का कर्जा भी था। देखिए, एक तो मईशत की बात जो है वो तो हर हुकूमत जो आती है पिछली हुकूमत के ऊपर सारा इल्ज़ाम डालती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए और एक बर्डन डाला अगली हुकूमत पे। जब इनकी हुकूमत जाएगी तो फिर जो नई हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर डालेगी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए और कोई भी जो मामला था कर्ज़ों के बगैर इन्होंने हल नहीं किया, मज़ीद बर्डन जो है वो डाल दिया। एक तो बात यह होगी, दूसरा ये कि जो अपोजिशन है जैसे बिलावल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, उनका तो काम है कि ऑब्वियसली उन्होंने तनकीद करनी है, चाहे वो जैसी भी पॉलिसी हो हुकूमत की उनके ऊपर तनकीद तो अपोजिशन करेगी तो सर्वाइव करेगी। उन्होंने अपने वोट बैंक को भी पैसिफाई करना है, मुतमईन करना है। दूसरा ये कि आप देखें कि जब पीटीआई अपोजिशन में थी तो वो भी हर किस्म की पॉलिसी चाहे फॉरेन हो कुछ भी हो तो उनके ऊपर तनकीद होती थी। तो लेकिन एक खुशाइंद बात ये थी कि वज़ीर आज़म ने आज बड़े तहम्मुल के साथ पार्लियामेंट में तकरीर की और बहुत सारे मौजूदात को छेड़ा। मे भी जो अफगानिस्तान का इशू है अमेरिका उधर मुजाकरात के ज़रिए हल करना चाह रहा है, उस टाइम पे थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब थी कि अमेरिका के बारे में उन्होंने फिर से एक निशाना बनाया कि उनको उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कर दिया हमारे मुल्क में घुस कर, और उसके बाद फिर अमरीका ने हमें एक दलदल में डाल दिया, ज़िल्लत हुई हमें। तो ये एक मेरा ख्याल है कि पूरी स्पीच के अंदर जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था कोई अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अली साहब। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलते हैं कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे की तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। मैं आप सबको पहले तो खुश आमदेद कहता हूँ और मैं एक हमारे पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा आज पहला कदम है बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का, और इन्वेस्टमेंट उस एरिया के अंदर जिसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत पहले हमें इन्हीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का और बड़ी देर तक
पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलती रही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट भी ऊपर थी, हम बर्रे सगीर में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। और जब हमने ये बहुत बड़ा एक अपने मुल्क के ऊपर एक जुर्म किया कि हम इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर पावर स्टेशन बनाना शुरू करने चले, जैसी हमने पावर जनरेशन इम्पोर्टेड फ्यूल पे की, हमारी बिजली की कीमत बढ़ती गई, हमारी इंडस्ट्री अनकम्पेटिटिव होती गई, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ना शुरू हो गया। और हमारे सामने ये जो सिचुएशन है कि एक तरफ हमारी जब बिजली की डिमांड बढ़ती है तो साथ ही प्रेशर पड़ जाता है हमारे रिजर्व्स के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।